तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज का मैच जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि होने वाला है बिटवीन सोलो एंड रोमन फेसिंग द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियन रोम केविन ओवेंस एंड सैमी जेन। ऑब्वियसली आज का स्मैकडाउन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखा, जो कि प्री टेप्ड था बट एंडिंग काफ़ी अच्छा था। और डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि जो जिमी उसो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड है रोमन रेंज से, एंड खुद को उन लोग उन्होंने आज ट्राइबल चीफ भी कहा। लाइव स्ट्रीम पर जो मैंने मैच किया था वहाँ पर मैंने जे उसो को लिया था एंड बिट्रेल किया था, बट फिर भी यहाँ पर बिट्रेल करने के बावजूद जो रेफरी ने भाई जे उसो को हटा दिया रिंग कॉर्नर से, एंड इजेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर भी रोमन रेंस हार गए टैग टीम चैम्पियनशिप्स। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग करने वाले हैं नॉर्मली, जो कि आई थिंक नाइट ऑफ चैम्पियंस में जो उसोज है वो रिंग साइड पर वैसे भी रोमन रेंस नहीं ले जाने वाले हैं उनको। तो आई थिंक यहाँ पर काफ़ी चीज़ जो है मैनेज हो सकता है आफ्टर द मैच, आई थिंक नॉट आफ्टर द मैच, बिटवीन द मैच, जो कि आई थिंक उसोस कॉस्ट कर सकते हैं रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप्स जीतने के लिए फ्रॉम केविन ओवेंस एंड सैमी जेन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये, इसका प्रिडिक्शन, फाइनल प्रिडिक्शन मैच, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई चैनल पर बने रहो, एंड तक वीडियो को देखो, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, एंड हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर हम लोग भाई आ चुके हैं सिलेक्टिंग स्क्रीन्स के ऊपर, एंड यहाँ पर अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सोलो सिकवा को, क्योंकि ऑब्वियसली टीम जो है वो रोमन रेंस का टीम होना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पर मैच स्टार्ट करने वाले जो प्लेयर हैं वो रोमन रेंस ही होंगे, सोलो सिकवा, एंड यहाँ पर होंगे भाई रोमन रेंस। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मैच, एंड तक देखना आप लोग, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करना भाई, बहुत मेहनत लगता है यहाँ पर आप लोग के लिए कंटेंट लाने के लिए। यहाँ पर टू मैनेजर्स के यहाँ पर हम लोग कर देते हैं मैनेजर में भाई कॉल है ब्लड लाइन का जो एंड है वो तो ऑब्वियसली हो ही चुका है। यहाँ पर भाई हम लोग एक ही मैनेजर करते हैं, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर पॉल हेमन को नहीं, सॉरी जिमी जे उसो को नहीं लाएंगे यहाँ पर रोमन रेंस इन द रिंग कॉर्नर। यहाँ पर सपोर्टिव एक्टर चैंपियंस हम लोग यहाँ पर नहीं देंगे रहने को। तो यहाँ पर लोग भी है, एंड यहाँ पर सैमी जेन के साथ मैच स्टार्ट होगा यहाँ पर रोमन रेंस का एंड केविन ओवेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर टाइटल मैच, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग चैम्पियनशिप, एंड यहाँ पर भाई एक टाइटल रिमूव करना ही पड़ेगा वरना डबल टाइटल मैच होता ही नहीं है। पता नहीं 2K23 वालों में ये अपडेट्स मतलब सुधारना, ये मतलब जो फॉल्ट है ये सुधारना पड़ेगा उन लोगों को। तो यहाँ पर भाई एंट्रेंस के साथ थोड़ा मैच देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये नाइट ऑफ चैंपियंस का बिटवीन सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस विथ सैमी जेन एंड केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप। आई थिंक यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद जो ये चैम्पियनशिप है वो मर्ज कर दिया जाएगा एंड बन जाएगा वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियंस। एंड ऑब्वियसली अगर स्मैकडाउन सैमी जेन एंड केविन ओवेंस जीतते हैं तो रॉ पर जाएगा वो चैम्पियनशिप्स, एंड जो सेकेंडरी टाइटल रहेगा टैग चैम्पियनशिप का वो जाएगा स्मैकडाउन में एज टैग टीम चैम्पियंस। तो
इस चीज़ जो नाइट ऑफ चैंपियंस है, आई थिंक नाइट ऑफ चैंपियनशिप्स के बाद आई थिंक यहाँ पर रोमन रेंस के लिए भी आई थिंक कोई टाइटल होगा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसे भी मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड टाइटल जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वो वापस आ चुका है, रीलॉन्च हो चुका है इन ए न्यू वर्जन। तो जो लोग भी सोचते हैं भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप न्यू टाइटल है, तो भाई न्यू टाइटल नहीं है, आप लोग हिस्ट्री जाके चेक कर लो, क्योंकि भाई जो वर्ल्ड टाइटल है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा टाइटल है इन 1920s। तो अंडरटेकर, बटिस्टा, बहुत सारे सुपरस्टार जो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जॉन सीना, एज, इस टाइटल को बहुत बड़ा बनाया। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप से भी बड़ा टाइटल था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो टाइटल था। तो यूनिवर्सल टाइटल है एक्चुअली सेकेंडरी टाइटल, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल एंड यूनिवर्सल टाइटल जो था, सॉरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल जो था वो समर स्लैम में जॉन सीना के साथ मैच जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर जो डिथ्रोन करके जीते थे जॉन सीना से, तो नेक्स्ट ड्रॉ पर उस टाइटल को मर्ज कर दिया गया एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बना दिया गया, जो कि अभी वेस्ट में लगा हुआ है रोमन रेंस का। एंड इस टाइटल के बाद कोई टाइटल लेने नहीं सका एंड तब जाकर यूनिवर्सल टाइटल को लॉन्च किया गया एट रॉ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियनशिप जो था वो ऑलरेडी ड्राफ्ट होने के बाद स्मैकडाउन पर चला गया था, जो कि आई थिंक डीन एम्ब्रोस चैम्पियन थे, एंड उसके बाद से जो यूनिवर्सल टाइटल था वो आया एंड ब्रॉक लेसनर ने ही यूनिवर्सल टाइटल को रिलेवेंट बनाया, बहुत बड़ा बनाया हर टाइटल और हर चीज़ को भाई ब्रॉक लेसनर ने बहुत बड़ा बनाया है। एंड लॉन्गेस्ट रनिंग यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जो थे वो भाई ब्रॉक लेसनर थे, उसके बाद अब रोमन रेंस हुए हैं विद द हेल्प ऑफ उसोस। तो उसोस का मैच भी ज़रूर होगा, जो कि फर्स्ट मैच मैंने ऑलरेडी कर दिया है 2-on-2, बहुत अर्ली कर दिया है एक्चुअली, वो मैच समर स्लैम में ही होगा जहाँ तक कि रूमर्स है, एंड ये रूमर्स ऑलरेडी कंफर्म्ड है, क्योंकि भाई मुझे भी ऑलरेडी स्टोरी लाइन जो था वो पता चल गया था, बस डेट एंड टाइम नहीं पता था, क्योंकि जब से भाई सैमी जेन जो ब्लड लाइन को ज्वाइन किए थे उसके बाद से मुझे पूरा कंफर्म हो गया था कि जो उसोस का टैग टाइटल्स है वो सिर्फ और सिर्फ केविन ओवेंस से सैमी जेन ही लेंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन वहीं जाकर ख़त्म होगा उसोस का, एंड ब्लड लाइन वहीं से जो एंडिंग है शुरू हो जाएगा, एंड सैमी जेन ही वो ज़रिया बनेंगे ब्लड लाइन को तोड़ने का। तो भाई इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से WWE ने पुट ऑन किया एंड मुझे बहुत जल्दी से पता भी चल गया था, सोलो सिकोवा अभी यहाँ पर एंटर हो चुके हैं तो टीम अप विथ रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। तो अभी जो ये मैच है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, एंड वीडियो पर व्यू काफ़ी कम आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे चैनल में, मेरा जो व्यू वीडियोस है उसका रीच कम हो गया। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब चीज़ पॉसिबल है, बट आज के नाइट पर जो ये चैम्पियनशिप मैच होगा वो आई थिंक मेन इवेंट यही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड लाइन का एंडिंग हो सकता है यहाँ पर दिखा सके हम लोग को WWE, तो हो सकता है प्रोबेबली स्मैकडाउन जो आज हुआ उसके बाद मुझे लग रहा है कंफर्म कि जो किक ऑफ मैच है वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल चैम्पियनशिप मैच से होगा, एंड जो स्मैकडाउन टैग सॉरी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप का मैच है वो मेन इवेंट करेगा नाइट ऑफ चैंपियंस सऊदी अरेबिया। यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन रख रहे हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, एंड उसोस रिंग साइड पर नहीं है जैसे कि रोमन रेंस नहीं भी लाए हैं उनको, तो आई थिंक यहाँ पर जो उसोस है वो बिट्रे तो करने वाले हैं, उसका मैच ऑलरेडी मैंने लाइव इवेंट पर कर दिया है, अगर उसको आप लोग पर्टिकुलर वीडियो में चाहते हो तो मैं वहाँ से फिर से आपको पर्टिकुलर वीडियो में ला दूँगा, अपलोड कर दूँगा आपको, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो, एंड लाइव इवेंट का जो शो है लाइव सेशन में चला जाना
वहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो है वही चेक कर लेना, प्रेडिक्शन वीडियो जो भी कल मैंने लाइव इवेंट मैच किया था। एंड आई होप कि जैसा मैंने किया है वैसे ही हो। वहाँ पर भाई सैमी ज़ेन एंड रोमन रेंस ने भाई सॉरी सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, बार बार रोमन रेंस किया जा रहा है, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस जो है वो रिटेन कर लिया था टाइटल को। क्या शॉट मार रहा है भाई यहाँ पर, ओह वाओ व्हाट अ ग्लोरियस मूव बाय सैमी ज़ेन। रोमन रेंस टैगिंग कर दिए भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा को, एंड ओ ओ ओ मिस कर दिया शॉट यहाँ पर। यहाँ पर लेकिन सैमी ज़ेन जो है भाई एकदम रैकिंग किंग यहाँ पर बने हुए हैं। रोमन रेंस का मूव किक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलरेडी मूव किक मैंने दिया है क्योंकि मॉक करते रहते हैं यहाँ पर रोमन रेंस को। तो यहाँ पर आई थिंक लाइव सेशन में जो यहाँ पर था सैमी ज़ेन ने भाई स्पीयर लगा दिया था वहाँ पर रोमन रेंस को ने टैग में, एंड काफ़ी मज़ा लगा था भाई, काफ़ी यूज था वहाँ पर। सैमी ज़ेन का हेल्थ यहाँ पर ऑलरेडी भाई बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया यहाँ पर। केविन ओवेंस लीगल हो चुके हैं एंड नाउ ही इज इनसाइड द रिंग। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, एंड आई थिंक यहाँ पर आई डोंट थिंक, मतलब मेरा मतलब है कि आई होप कि WWE सही डिसीजन ले जो कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को ही टाइटल वापस लेकर जाने का मतलब डिसीजन ले आफ्टर द मैच ऑफ नाइट ऑफ चैम्पियंस वॉक अवे विद टैग टीम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप, क्योंकि डिजर्व करते हैं भाई अभी ये चैम्पियनशिप इन लोग दोनों के पास रहने का, क्योंकि अभी जो है ब्लड लाइन का एंडिंग काफ़ी नियर है। तो आई थिंक यहाँ पर जो टैग टीम चैम्पियनशिप्स जो है वो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के पास ही रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो टैग टीम चैम्पियनशिप से अगर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा जीत जाते हैं तो वो समर स्लैम तक जाए आपस में, क्योंकि आई डोंट थिंक रोमन रेंस को इतना ज़्यादा मतलब ओवर पुश देने का कोई ज़रूरत है अब, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइटल जो रेन है यहाँ पर नियर ही एंड होने का। तो वहाँ पर एक और टाइटल मतलब और दो टाइटल दे देना मतलब कुछ ज़्यादा मतलब सेंस नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट तीन साल चार साल मतलब कौन अभी देखेगा इस मॉडर्न एरा में, बोर हो चुके हैं भाई रोमन रेंस को एज चैम्पियन देखते देखते। आप लोग भी अगर बोर हो चुके हो तो भाई कमेंट सेक्शन में अभी बता देना, क्योंकि आई होप कि रोमन रेंस को जो चैम्पियनशिप है अभी और ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। वाओ हुआ किक लगा दिया आउट ऑफ नोवेयर, किक आउट बाय रोमन रेंस। सम ऑफ हाउएवर यहां पर मतलब कैसे मतलब सैमी ज़ेन ने हुआ किक लगा दिया भाई रोमन रेंस को, सुप्लेक्स बाय रोमन रेंस टू सैमी ज़ेन। काफ़ी अच्छा मैच लेकिन दिया है सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस के साथ, जो वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप का जो मैच हुआ था लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया में हुआ था, नहीं सऊदी अरेबिया में तो नहीं हुआ था। अरे भाई चलो भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा का जो समवन स्पाइक है वो तो भाई सैमी ज़ेन ने रिवर्स किया है, भाई लगा दिया होलवा की आउट ऑफ नो है रोमन रेंस ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ा क्योंकि सोलो सिकोवा को ऑलमोस्ट हेल्थ यहाँ पर बहुत है। तो सैमी ज़ेन का परफॉर्मेंस भाई बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्या मैच दे रहे हैं आफ्टर ब्लड लाइन को लीव करके, यहाँ पर जब से ब्लड लाइन को लीव किए हैं तब से भाई फिर से अपने धरती पर आ चुके हैं एंड फेस सुपरस्टार बन चुके हैं भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन।
मोस्ट इंटरेस्टिंग फेस सुपरस्टार बन चुके हैं अभी के टाइम पर। चलो यहाँ पर केविन ओवेंस ने बचा दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है, सबमिशन होल्ड को दिया है, ऑब्वियसली सैमी ज़ेन को बचा लिया है। एंड व्हाट इफ रनिंग सेंटन ड्रॉप टू द बैक ऑफ सैमी ज़ेन। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं आप लोग। वाओ, या तो स्प्लैश बाय सोलो, ब्रेकआउट बाय सैमी, दोनों यहाँ पर अगर रेजिलेंस यूज नहीं होता है, मतलब रेजिलेंस अगर बचा के रखते हैं जब तक कि रोमन का हेल्थ डाउन नहीं होता, तब तक आई थिंक यहाँ पर सैमी ज़ेन लोग अपना टाइटल को रिटेन कर लेंगे, यहाँ पर मुझे लग रहा है। एंड आप लोग भी किसको चाहते हो कि मैच कौन जीते इस मैच में भी और रियल में भी, आप लोग क्या चाहते हो यहाँ पर कौन सा टीम जो है वो मैच जीते आज के इंटरव्यू में। भाई सैमी ज़ेन ने रेजिलेंस यूज कर लिया है समोन स्पाइक पर, एंड सैमी ज़ेन बहुत ही हेल्थ डाउन है। केविन ओवेंस को रिंग पर आना पड़ेगा, ऑब्वियसली सोलो सिकुआ का जो हेल्थ है वो वापस रीबिल्ड हो रहा है। 1-2 एंड भाई किकआउट, मिस किकआउट आ चुका है यहाँ पर। किसी भी टाइम सैमी ज़ेन जो है वहाँ पर मिस किक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स कर दिया सैमी ज़ेन, और ये नॉर्मल मैच है, ऑब्वियसली कि नॉर्मल मैच ही होगा। ओ माय गॉड, केविन ओवेंस को ही गिरा दिया भाई सैमी ज़ेन ने। कुछ भी हो सकता है आज के जो नाइट ऑफ चैंपियंस है, क्योंकि ब्लड लाइन का बीच तो बहुत कुछ हो चुका है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारा चीज़ होगा ज़रूर आज नाइट ऑफ चैंपियंस के एंड में, क्योंकि आई थिंक यही मेन इवेंट करेगा मैच को, यही मेन इवेंट करेगा पेपर व्यू को चैंपियनशिप। एंड कहीं भी भाई, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि टैग टीम चैंपियंस जो है टैग टीम चैंपियनशिप जो है वो मेन इवेंट करेगा भाई पेपर व्यू को, क्योंकि ऑब्वियसली टैग टीम चैंपियनशिप आज तक जितने भी था वो किक ऑफ मैच में होता था या फिर कोई और मैच में। तो यहाँ पर भाई केविन ओवेंस ब्रेकआउट करना पड़ेगा टीम को, यहाँ पर सैमी ज़ेन के पास आ चुका है भाई फिनिशर एंड हुआ किक। अभी सोलो सिकुआ एंड रोमन रेंस के पास रेजिलेंस, सोलो का कोई रेजिलेंस नहीं है भाई, रोमन सॉरी यार सैमी ज़ेन अगर ओ ओ ओ ओ आउट ऑफ नोवेयर हो गया किक को लगा दिया यहाँ पर। 1-2 किक्स आउट बाय सोलो, हेल्थ अभी बहुत है यहाँ पर, हेल्थ है यहाँ पर। ब्लू थंडर बॉम एंड फॉल भी करेंगे भाई। 1-0 अरे भाई आई थिंक यहाँ पर हाई फ्लाइंग मूव कुछ लगाने वाला था सैमी ज़ेन, लेकिन सोलो ने अलाउ नहीं किया इस चीज़ को। हेल्थ सोलो का भी डाउन है, केविन ओवेंस का हेल्थ तो काफ़ी है, यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर सैमी ज़ेन यहाँ पर टैग हो चुके हैं भाई केविन ओवेंस। अब मज़ा आएगा क्योंकि केविन ओवेंस का हेल्थ काफ़ी है यहाँ पर। स्टनर लग गया भाई यहाँ पर, रोमन रेंस अगर नहीं बचाएंगे तो भाई सिंपल तो है नहीं, लेकिन ब्रेकआउट तो हो गया है। सोलो रनिंग सेंटन रिवर्स कर दिया यार, टेक डाउन यहाँ पर सोलो के हेड से भाई ब्लड निकल रहा है यहाँ पर, और सोलो के पास अभी कोई फिनिशर तो नहीं है, सिग्नेचर आ चुका है। केविन ओवेंस अभी बचा सकते हैं मैच को, रोमन रेंस के पास ऑब्वियसली हेल्थ अभी है, एंड रोमन को आई थिंक यहाँ पर चांस नहीं देना चाह रहे हैं केविन ओवेंस। अगर चांस दे देते हैं तो आई थिंक यहाँ पर मैच बच भी सकता है, क्योंकि रोमन का हेल्थ भी यहाँ पर डाउन होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर।
स्पीयर लगा दिए भाई यहाँ पर रोमन रेंस करने का मौका नहीं दिया यहाँ पर केविन ओवेंस को, ब्रेकआउट कर दिया सैमी ज़ेन ने इनको। अच्छा स्ट्रेटजी है यहाँ पर, आई होप कि इस मैच में भी एनजीएल में भी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन ही वॉक अवे करेंगे सऊदी अरेबिया में, क्योंकि रिकॉर्ड है एक चीज कि आज तक कोई भी चैंपियन जो है वो क्राउन नहीं हुआ है बीट करके एट सऊदी अरेबिया इवेंट में। तो यहाँ पर रोमन रेंस अरे रेंस करने दो, चलो सैमी ज़ेन को लेकिन बचा लिया यहाँ पर। अरे भाई क्या मूव लगाया यहाँ पर, खुद ही भाई बस्टर हो चुके हैं यहाँ पर, स्टंड होके भाई नीचे गिर चुके हैं यहाँ पर केविन ओवेंस। रोमन रेंस का हेल्थ जो है अभी बहुत है, केविन ओवेंस सिग्नेचर एंड फिनिशर चलवा चुका है डीडीटी टू रोमन रेंस। हेल्थ काफ़ी डाउन है अभी फिलहाल यहाँ पर रोमन रेंस का, तो यहाँ पर एक स्टनर अगर लगा देते हैं तो रोमन रेंस का खेल फिलहाल तो डाउन हो जाएगा। पावर बॉम्ब, Who will be this is not the WWE universe, champion. अरे भाई स्टंड होके है यहाँ पर, अरे नेक ब्रेकर सैमी ज़ेन के पास भाई, नो रेजिलेंस है यहाँ पर। अरे टैग इन कर दिया भाई सोलो सिकुआ को एंड सैमी ज़ेन, अरे भाई चलो भाई यहाँ पर बचा दिया सैमी ज़ेन ने यहाँ पर। दो फिनिशर आ चुका है यहाँ पर सैमी ज़ेन के पास, हुलुआ किक मिस कर दिया यार, मिस कर दिया यहाँ पर। व्हाट ए स्ट्रॉन्ग क्लोज लाइन बाय सोलो सिकोवा, रोमन रेंस टैगिंग हो चुके हैं एंड सैमी ज़ेन आई थिंक यहाँ पर स्पीयर यूज करेंगे। अरे भाई हुलुआ किक लगा दिया रोमन रेंस का एंड केविन ओवेंस कम ऑन, वन टू भाई किक आउट कर दिया यहाँ पर रेजिलेंस। अरे 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 कम ऑन टैप आउट कर दिया यार यहाँ पर न्यू चैंपियन रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा। यहाँ पर सेकंड मैच जो हुआ यहाँ पर आई थिंक जो डीथ्रोन वाला मैच था वहाँ पर भी हो सकता था जीत भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर सबमिशन से यहाँ पर सैमी ज़ेन को हरा दिया यहाँ पर रोमन रेंस ने एंड रिटेन कर लिया है यहाँ पर भाई टैग टीम चैंपियन अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर रोमन रेंस ऑलमोस्ट बन गए यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस विद अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। वाओ तो क्या प्रेडिक्शन मैच था, आई थिंक यहाँ पर सोलो सॉरी उसोस का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं हो तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर उसो सोलो एंड रोमन रेंस जो है वो चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं, लेकिन उसोस का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ पर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को रिटेन करने के लिए। तो चलो ये वीडियो जो था यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो मेरा एंड होप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नाम ज़रूर से यहाँ पर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में एंड चैम्पियनशिप के लिए यहाँ पर ये फाइनल प्रिडिक्शन मैच था, तो आज के रात में ही हम लोग को पता चलेगा कि क्या होने वाला है एंड टेक केयर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बाय।